Hi guys, we are back with another video. आज जिस वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उस वीडियो के बारे में आपको कभी ना तो पहले इसके बारे में जानकारी हुई होगी, ना आप इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे. टुडे माय वीडियो टॉपिक इज़ अबाउट फैब्रिक क्लॉथ एंड उसकी डिज़ाइंस के बारे में. और जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि एक फैब्रिक का कपड़ा है, उसके ऊपर मतलब सीक्वेंस का वर्क किया हुआ गया है. मैं फ़ोटो को थोड़ा क्लोज लेके जाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके. यूजुअली हम फैब्रिक मतलब बहुत टाइप के फैब्रिक्स आपने देखे होंगे, जैसे चिनॉन है, बेंगलोरी सिल्क है, अपना बनारसी है, बनारसी सिल्क है. लेकिन आज जिस कपड़े के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेपर सिल्क. और पेपर सिल्क एक ऐसा कपड़ा है लाइक जो सॉफ्ट होता है एंड लाइक हार्डन नहीं होता एज़ कम्पेयर टू बेंगलोरी सिल्क. एंड राइट नाउ जो ट्रेंड में है अभी पेपर सिल्क चल रहा है बहुत सारे. एंड बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लाइक पेपर सिल्क एक ऐसा कपड़ा है जिसके कारण मतलब आफ्टर एक जिसका लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं है. और जो लोग ये कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात एकदम गलत है. क्योंकि पेपर सिल्क में लाइक 3-4 क्वालिटीज़ आते हैं. और बेसिकली जो क्वालिटी मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ ये मतलब बहुत रेयरली मतलब पाया जाता है इंडिया में. इसे बनाने में मतलब हार्डली 1 मंथ टाइम लगता है ये कपड़े में. एंड आफ्टर वर्क इसके ऊपर मतलब टोटल सीक्वेंस का काम किया जाता है. ये देखिए क्वालिटी ऑफ पेपर. जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल फैब्रिक के ऊपर टोटल सीक्वेंस जरी का वर्क किया हुआ है. और वो भी बारीक वर्क है. इट्स नॉट लाइक कि ऐसा वर्क हो जिसे मतलब काफ़ी टाइम लगता है ऐसा वर्क करने में, क्योंकि मशीन को काफ़ी स्लो चलानी पड़ती है हम लोगों को. एंड लाइक थोड़ा सा भी अगर यहाँ वहाँ हो जाता है तो लाइक नीडल टूट जाता है. एंड एक नीडल को फिर से मतलब उसको अटैच और फिट करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. एंड राइट नाउ जो फैब्रिक अभी ट्रेंड में है काफ़ी लाइक बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहा है. एंड ये हमारी लेटेस्ट डिज़ाइन है, लेटेस्ट कलेक्शन है इनका. कल ही ये लाइक मतलब हमने मशीन से इसका प्रोडक्शन निकाला. इट्स जस्ट अ सैंपल टू शो यू. बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइक ख्वाहिशमंद लोग होते हैं जिन्हें मतलब पसंद है कि मतलब वो फैब्रिक का क्लॉथ बना के साड़ी बनाए. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि लाइक फैब्रिक का कपड़ा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, माइंड में ये डाउट उनके चलते रहते हैं. तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, लाइक जो फैब्रिक का क्लॉथ होता है एट दी एंड्स लाइक थोड़ी मार्जिन रहती है उसके अंदर, आप यहाँ देख सकते हैं. तो जैसे आप कपड़े को हाथ में लोगे, अगर वो कपड़ा स्मूथ है एंड उसको रफ़ करोगे तो उसमें से लाइक कलर ना उतरे तो आप समझ जाना चाहिए कि मतलब ये कपड़ा अच्छा है. क्योंकि लाइक आजकल मार्केट में ऐसे कपड़े आ रहे हैं कि डुप्लीकेट कपड़े आ रखे हैं, तो उसमें लाइक कस्टमर्स को इतना आइडिया होता नहीं है कि मतलब कौन सा कपड़ा कैसा है कौन सा कपड़ा कैसा नहीं होता है. लाइक वेंडर्स क्या करते हैं, जैसे मतलब इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड प्राइस को गिराने के लिए तो लाइक डुप्लीकेट कपड़े यूज़ करते हैं. तो कस्टमर्स को इतना आइडिया होता नहीं है आजकल. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मतलब मालूम कर सकते हैं कि कपड़ा कैसा है कैसा नहीं है. एंड यूजुअली लाइक हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स है जहाँ पे हम प्रोडक्ट देखते कुछ है और लेते कुछ है. क्योंकि यूजुअली हम कपड़ा जब तक हाथ में लेना तब तक हमें उस चीज़ का बारे में आइडिया नहीं आता है. तो लाइक हमारा एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मतलब हम हर चीज़ आपको डेप्थ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, जहाँ पे आपको हम कपड़े के बारे में बताते हैं, उसके ऊपर कौन सा वर्क किया हुआ है उसके बारे में बताते हैं, एंड उसमें कितने कलर्स अवेलेबल है उसके बारे में बताते हैं. तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को उस चीज़ के बारे में एक आइडिया आएगा एंड एक उनके माइंड में सोशियोलॉजी बैठ जाएगी कि मतलब इट्स लाइक बीन सीइंग एंड फीलिंग द क्लॉथ. तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको कपड़े के ऊपर जो वर्क किया हुआ है उसके बारे में बताता हूँ. आप देख सकते हैं टोटल ऑल ओवर वर्क है एंड बहुत प्यारा वर्क है. और ये जो सारा कपड़ा है हमारा लाइक एक्सपोर्ट होता है, वो लाइक यूके है, यूएसए है, वहाँ के वेंडर्स होते हैं लाइक उन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं. आप फील कर सकते हैं एंड जैसे लाइक मैं कपड़े को टच कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक कितना स्मूथ है. एंड इसमें काफ़ी कलर्स अवेलेबल है तो मैं आपको धीरे धीरे से कलर रेंज के बारे में बताता हूँ. और ये जो कलर है वो पीच कलर है जो लाइक काफ़ी ट्रेंड में.
एंड ये सेकेंड वाला, वाओ व्हाट ए कलर। एंड इसके ऊपर जैसा वर्क हो रखा है बड़ा प्यारा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है जैसे मैं खुद अपनी ड्रेस बना लूँ, बट क्या करूँ मैं लड़का हूँ, बना नहीं सकता। बहुत ही प्यारा है। अगर इसकी आप साड़ी हाफ नेट करके लाइक भी वैसे भी बनाते हो तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। एंड अदर कलर ऑप्शन है, ये है पिंक कलर है एक, द अदर वन इज ग्रीन, द अदर वन इज रामा ग्रीन, द नेक्स्ट वन इज रेड एंड द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, जो सबसे हॉट एंड फेवरेट कलर बोलते हैं इसे आप दीपिका पादुकोण भी कह सकते हैं, क्रीम कलर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।